उसके बाद लगातार जो व्हाट्सएप, वो सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग से कॉल कर रहा है लगातार, आज भी लगातार कॉल कर रहा है। वो शंकर साहब थे यहाँ पे, उनको भी उसने व्हाट्सएप कॉलिंग पे धमकी भी दी है सर, कि तू मुझे जानता है मैं आईटीओ में करता हूँ, तू क्या कर लेगा मेरा, ऐसे करके धमकी दी है। और जब कॉल कर रहे सर, वो किसी अननोन पर्सन के पास लग रहा, वो एक लेवर है, यानी कि उसने फ्रॉड तरीके से किसी का फोन लेके व्हाट्सएप अपने फोन में बना लिया और उससे सिर्फ कॉलिंग कर रहा, क्योंकि व्हाट्सएप पर ट्रस्ट नहीं होती। और लगातार 5 दिन से एक लेडी के ऊपर हमें शक था, क्योंकि जिसने वहां से टेम्पो खाली करा ना सामान में, तो हमने ये काम प्रशासन का था, लेकिन सर हमने किया क्योंकि हमारी बहन गई है ना, मैं समझता हूँ किसी को दर्द नहीं होता है। वहां पे हमने खुद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख के 1.5 घंटे तो गाड़ी का नंबर निकला। गाड़ी का नंबर निकलवाने के बाद पूरे दिन यहाँ थाने पे हम लोग मत्था टेकते रहे। बुद्धपाल सर जो है उनसे ये बोलते रहे कि सर इसकी नंबर, इसको नंबर को ट्रेस करके यहाँ से मोबाइल नंबर निकल जाएगा, और उस ड्राइवर ने जहाँ सामान छोड़ा हमें थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी उसने कहाँ सामान छोड़ा है, क्योंकि सामान जहाँ गया होगा वहीं तो वो बंदा गया होगा। और हम वहाँ पहुंचे तो सर पूरे दिन हो गया ड्रामा। जब मैंने ट्वीट किया ना सर डीसीपी दिल्ली को, उसके बाद शायद यहाँ पे प्रेशर आया, उसके बाद शाम को प्रेस किया गया, एसआई शंकर को लगाया गया, बुधपाल सर ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। और रिकॉर्डिंग है बुधपाल सर की, वो कह रहे हैं मेरे पास फोन मत करो मैं बिजी हूँ, मेरी एफआईआर के अंदर आपका नाम है कि आपके एसआई बुधपाल है, और आप मुझे कह रहे हो मैं बिजी हूँ, किसके पास जाएगी जनता गुहार लगाए पिछले 5 दिन से। और फिर हम जब वहां पहुंचे पते पे अपने आप, जब शंकर साहब ने हमारी मदद करी, हम 3रे दिन वहां पहुंचे लेडीज के पास, उस लेडीज से जब हमने पता करी तो लेडीज के फोन में वही व्हाट्सएप नंबर निकला और उससे लगातार उस दिन की कॉलिंग थी। इससे बड़ा शक मैं समझता हूँ सर उस लेडीज को कुछ और हो नहीं सकता। उसके बाद हमने कहा कि कॉल करो, उस नंबर पे कॉल लगा के हमने बोला कि यहाँ पे सिर्फ तुम ये बोलोगे कि तुम कहाँ पे हो, ऐसा कुछ बोला। उसने कॉल लगाया, पुलिस वाले खड़े हुए थे, हाँ बताओ क्या बोलूँ अगले बंदे के लिए, इससे ज्यादा शक क्या है। उसके बाद पुलिस खड़ी हुई यहाँ पे, तुरंत बोल दिया, उस महिला को क्या लाना नहीं चाहिए था उठा के। सर अब मैं बता रहा हूँ आगे सर, उसके बाद इस महिला पे अब क्या हुआ कि उस महिला पे शक था सर, प्रशासन जब हमारी मदद नहीं करेगा तो बहन है हमारी, घर की इज्जत और आबरू है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी थी, तो हमने खुद अपने लोग लगा के उस महिला के पीछा करवाने के लिए लगाया कि वो कब कहाँ जाती है। तो रात को 2:30 बजे अमन बैंकेट हॉल है, वो इंदिरापुरम की झुग्गियों में रहती है, अमन बैंकेट हॉल है, रात को 2:30 बजे वो यहाँ पे अमन बैंकेट हॉल के अंदर आई और उसके साथ 3 साथी आए हुए थे। और मैं यहाँ पे सर रात को, कुछ लोग थे क्योंकि बहन का मामला है, वो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अमन बैंकेट हॉल पहुंच गया, लेकिन मुझे डर था क्योंकि जो लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं उन लोगों को हथियारों से लैस भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर भी सकते। तो मैंने आके यहाँ पे ऐसे तो आपको फोन किया, सर से निवेदन किया कि सर ऐसे से बात है वहाँ पे ये चीजें आप भेजिए। तो बाहर ऐसा ही अमित कुमार सर खड़े थे, 15-20 मिनट मैंने दोबारा सर को फोन किया, सर ने बोला भेज रहा है। तो ऐसा ही अमित कुमार की लैंग्वेज थी सर, मैं आपको क्या बताऊँ, उसने मुझसे बोला चूंकि आया तो सारे फोन नहीं कर रहा बार बार, ऐसा ही अमित कुमार सर सर अगर मुझे ये पता होता मन में क्या तुरंत, तो मैं शायद फोन निकाल के रखता कि हाँ मुझे कब गाड़ी देने वाले। लेकिन यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज लगी ना उसमें रिकॉर्ड होगा, उसने मेरा गिरवान पकड़ा है, मेरी दाढ़ी खींची है, मेरे को बोला कि चल तुझे अंदर करूँ, तो सर मुझे अंदर कर दो, लेकिन मुझे ऐसा ही अमित कुमार सर यहाँ मुझसे माफी मांगेंगे और मेरी बहन के ऊपर जो भी कार्रवाई आपके सामने रखे कि क्या कार्रवाई करिए। जैसे ये आया था ना रात ही, उसी दिन जितनी रात को आया 10-11 की रात था, 4-5 दिन से घर गए, 11 तारीख से सर जैसे ही इसने बतलाया कि भाई वो सेक्टर स्टेशन में जगह है वहाँ पे वहाँ रखा हो, तो जैसे ही इसने बोला तो मैं उस टाइम वो सब फोटो की कॉल आई थी रात को, उस पोल पर जा रहा था और उस दिन हमारी डार्क नाइट थी रात को, मैं जैसे निकल रहा था यहाँ से मुझे बाहर मिले थे, बाहर मिलते ही मैंने इसके साथ टीम भेजी, एएसआई भेजा साथ में, एक एएसआई भेजा था जो कॉन्स्टेबल कह रहे हैं, थानेदार भेजा था, थानेदार को वहाँ भेजा, जाते ही उनको चेक करा दिया, वहाँ पे जब गए तो देखो खाली मकान मालिक से पूछा, उसने बता दिया कि उस पहले खाली करके चले। उसके बाद नेक्स्ट डे इन्होंने सुबह मुझे आके बताया कि जो कार्रवाई हो रहा है जो भी है आप उसके मेरा नाम सर लिख के देते, डीसीपी मधु यार के नाम से, नहीं तो डीसीपी ईस्ट के नाम से लिख के देते, लिख के आप उसको किसी भी तरह बैठ के लिखवा के भेज दीजिए, ठीक है। बाकी मैं इधर आया हूँ कि जो भी आपका ये लड़की मिसिंग है, ठीक है, इसमें अभी मैं पूछ के आप लोगों को, जो भी आप में समझदार 3-4 लोग हैं, ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को अपडेट दे लेके हाँ जी बताइए, हाँ जी आप ये ऐसे आप लिखते हो, देखिए कानून के तरफ से ना एक प्रक्रिया होती है, अगर मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ
तो एक उसका एक प्रक्रिया है, ठीक है, वर्दी के अंदर कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसको हम उसके लिए कानून बनाएंगे किस तरीके से उसका कर रहे हैं, तो हम इसी के तहत करेंगे पूरी कार्रवाई। वो माफ़ी मांगने से कानून में उस तरीके से नहीं चलता। सर हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, वो माफ़ी मांगने में कंप्लेंट नहीं करेंगे हम, लेकिन माफ़ी चाहिए। नहीं वैसे नहीं होता, मैं रात को खुद बाहर आपके पास आके गया हूँ, मिल के गया हूँ आपसे। रात को मैं मिला नहीं, मिला आपसे, मतलब मैं मिला था ना रात को, ये 10 मिनट का तो सारा मामला है। मैंने पूरी टीम आपके साथ भेजी है, गाड़ी भेजी है, जहाँ आपने काम आ गए अमर वेंकट हॉल में, वेंकट हॉल पे कोई नहीं मिला। शायद ये 11 तारीख की बात है जब आप गाड़ी से आए थे, अच्छा सही को 11 तारीख की बात है, 11 तारीख की बात है, दूसरे पर कैसे हो सकते हैं? नहीं तो उस दिन हमारा मुलाकात हुआ था, नहीं उस बारे में उस दिन तो साइड कर दिया था। नहीं मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये जो आप उसके प्रति हम पूरे संवेदनशील, हर इस लेकिन मेरा क्या मानना है, एक सुनो, ये अभी एक अभिषेक और जो हमारी बेटी है, अभी मैं मैक्सिमम अपनी एनर्जी हम लोग खाने की उनको ढूंढने में लगाऊं या फिर इस चीज़ में लगाऊं? आपका ये ईगो का जो इशू आ गया सर, ईगो का इशू, तो आप मेरे को कंप्लेंट लिख के दो, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई दूंगा। यहाँ पे आके क्या माफ़ी मांगे इस तरीके से करने जगह, या तो मैं उनको ढूंढवाऊँ अभी जाके, इसमें हम पूरा एफर्ट लगाएं अपना, या फिर एक चीज़ करें आप अपना मन बना लीजिए। बिल्कुल आ जाओ, घर से सुना दो, एक सेकंड अंदर आके, ये तो इतना कोविड का वायलेशन हो रहा है इसके अंदर, मेरा भी यहाँ खड़ा रहना है। इसके अंदर मेरे ख्याल से हमें अभी अपनी एनर्जी उनको ढूंढने में लगती है। अमित का मामला बाद में सुलझा लेंगे, पहले लड़की को, पहले लड़की को,